Jaind has never hacked any website, though sometimes we are tempted to. We do hack into the brains of our great leaders and chip away at their leftover intelligence so they can continue their stupidity without hindrance. It is our endeavor to encourage the minimum utilization of political capital, resulting in the complete breakdown in the credibility of morons of Indian origin, in particular those with expensive free housing in Delhi. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. Recently, Pakistan Cyber Army ne CBI ki website ke saath 270 aur Indian websites ko hack kar diya. Pakistan Cyber Army. Pakistan Cyber Army. ये कहीं वही लड़के तो नहीं जो Yahoo chat पे webcam देख के बोलते रहते हे वाना साइबर वाना साइबर. सबसे प्रोमिनेंट वेबसाइट जो हैक हुई थी सीबीआई की जी. न्यूज सुनने पर मन्नू जी मतलब मनमोहन सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब देखो हमारी पार्टी की वेबसाइट हैक करते रहते हो? पता चलने पर सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला हैं हेलो हमारी कोई वेबसाइट नहीं है भाई. कहां किस कलर की. दिल्ली पुलिस के पीआर ऑफिसर ने कहा है कि बस ये सीबीआई वेबसाइट वाली बिल्डिंग कहां है, हमें वहां भी अपनी सिक्योरिटी लगानी चाहिए, है ना. नहीं कम से कम सीट बेल्ट ना लगाने वालों से पेनल्टी ले लेंगे भाई. क्या बोल रहे हैं. वैसे आपने नोटिस किया कि सीबीआई की वेबसाइट नितिन गडकरी के बेटे की शादी के दिन हैक हुई, मानो या ना मानो. मुझे लगता है सीबीआई की वेबसाइट बीजेपी ने ही हैक कराई. लेकिन एनीवे देखते हैं कि किस टाइप्स की वेबसाइट इस पाक साइबर आर्मी ने हैक की है. और ये सब वेबसाइट असल में हैक हुई थी हरियाणा डिक्शनरी .com. हैक होने के बाद वेबसाइट फाउंडर के मुंह से एक ही बात निकली, तेरी बहन की मदर छट. साई कृपा ओल्ड एज होम. अब एक ओल्ड एज होम की वेबसाइट हैक करने का क्या मतलब है? मतलब नवाज शरीफ के टाइम से इनको बुड्ढों की लेने की आदत पड़ गई. पहले हमारे वाजपेयी, अब ये ओल्ड एज होम. अच्छा और भी है, ये देखो सबसे सस्ता होस्ट .com. सबसे सस्ता होस्ट मतलब बेचारे शेखर सुमन की वेबसाइट ढूंढ रहे होंगे, यही मिल गई तो इसी ने काम चला लिया. exploitclub.com. अच्छा चलो ये तो समझ में आती है. वैसे भी उन्हें बचपन से चीजें एक्सप्लॉइट करने की आदत है, वुमेन्स राइट, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी. ये देखिए, ये सुनिए, राधे श्याम गौशाला .com. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं अरे भाई सचमुच कह रहा हूं. राधे श्याम नाम का एक आदमी जो गाय पालता है उसकी भी अपनी वेबसाइट है. इस साइबर आर्मी को शर्म से डूब मरना चाहिए. हमारी इकोनॉमी की पावर देखो देखो. अरे तुमने पाकिस्तान में कोई खान बकरी भंडार की अभी तक वेबसाइट देखी है कहीं? मेरा इस प्रॉब्लम से बचने का सिंपल सॉल्यूशन है, हर सेंसिटिव इंडियन वेबसाइट के खुलने से पहले कंगना रनौत का एक बैनर लगा दो. मजाल है कोई हैकर डर के उस वेबसाइट को फिर से खोल दे. चेक दिस आउट. 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर को अवार्ड कर दिया. कतर कहते हैं फ्रॉम द एपिग्लॉटिस. कतर जी हाँ, कतर नाम की भी एक कंट्री है बाय द वे. बाय द वे मेरा एक भाई है वहां पे काम करता है. रोहित उसका नाम है. हाँ तो इस न्यूज को सुनने के बाद कतर में इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि लोग सड़क पर उतर के घंटों तक नाचते रहे. ये देखिए. अरे अरे ये
अरे ये वाली कतार नहीं, हाँ ये वाली। पर ये न्यूज सुन के इंडियन फुटबॉल टीम बहुत खुश है। स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने कहा है कि फाइनली हम किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हमको तो घर पे बचपन से नंगे पैर खेलने की आदत है, वहां रेत में सब नंगे पैर ही खेलेंगे ना। हाँ जूते में रेत जाएगी, वापिस हर बार जूता निकालो, ये ऐसे ऐसे करो, वापिस पहनो, बहुत उसे बॉल दूर चली जाएगी। इसलिए यू सुन के कतर में बसे अपने अपने MF हुसैन भी बहुत एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने कतर नेशनल टीम की एक पेंटिंग भी बना ली है, देखिए। और अभी बाकी है LNN इंडिया की रशियन डिफेंस डील का सीक्रेट फुटेज, एक MMS और सब अभी बता दीजिए यार, थोड़ी सांस तो बजा दे।